और तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। अब यहाँ पर गए थर्ड जोन बन चुका था और यहाँ पर हमें चाहिए थर्ड जोन में एक अच्छा पोजीशन ताकि हम सर्वाइव और किल्स निकाल सकें। तो यहाँ पर गए जो स्क्वाड था वो हमें एक अच्छा पोजीशन लग रहा था, बट यहाँ पर ऑलरेडी बंदे थे। तो यहाँ पर मैं एक आधा नॉक निकालने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पर गए इस बंदे कुछ अलग ही नशे थे। लाइक ये यहाँ पर छत पे ओपन में लेट के पता नहीं क्या कर रहा था। तो यहाँ पर इसे मैं इजिली नॉक दे दूंगा और यहाँ पर गाइस मुझे भी अच्छा खासा डैमेज पड़ा था बिकॉज इसके टीममेट ने मुझे बैकफायर में अच्छा खासा डैमेज दिया। बट यहाँ पर मैं अपने आप को हील करता हूँ और यहाँ पर इतने में मेरे टीममेट ने क्लोजिंग कर दिया था और यहाँ पर गाइस मैंने भी हील कर लिया था। तो यहाँ पर मैं भी इन पे क्लोजिंग कर देता हूँ। गैरेज में और यहाँ पर गाइस इस जोक को हमने एकदम इजीली मार दिया। बट यहाँ पर मुझे भी हल्का फुल्का डैमेज पड़ा था तो मैं फटाक से अपने आपको हील करता हूँ और इनकी क्रेट से थोड़ा सा लूट वगैरह भी कर लेता हूँ। अब गाइस अपनी लूट कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से बंदे ने स्पॉट करते रहते हैं कि तुम्हें मुझे राइट साइड में यहाँ पर ओपन में दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं जो फिलहाल के लिए हमारे जो न्यू इवेंट में जो जॉम्बी टाइप में मिलता है उसे मारने का यहाँ मजा ले लेता है। ऐसे उनसे यहाँ पर उन्हें लूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बंदा हमें स्पॉट हुआ था जिसे यहाँ पर मैं इजिली नॉक दे दूंगा और यहाँ पर जो उसका सेकंड पार्टनर था गाइस वो भी यहाँ पर ओपन में स्पॉट हो जाता है हमें। और यहाँ पर गाइस इसका सेकंड पार्टनर भी मुझे ओपन में स्पॉट हो जाता है तो इसे भी हम एक प्यारा सा हेडशॉट देंगे। पर इतने में गाइस यहाँ पर न्यू जोन बन चुका था जो फिलहाल के लिए हमसे दूर था और यहाँ पर हमें जोन में एक अच्छी पोजीशन चाहिए। तो हम फटाक से यहाँ से व्हीकल निकालते हैं और सीधा जोन में निकल जाते हैं। अब ये वाला स्नाइपर था गाइस हमें एक अच्छा पोजीशन लगा और यहाँ पर कोई लकली था भी नहीं। तो यहाँ पर हम आते हैं और फिलहाल के लिए यहीं पर होल्ड करते हैं। बट गाइस राइट साइड में जो कंपाउंड है हमारे क्लोज में वहाँ पर दो बंदे थे जो फिलहाल के लिए हम पे इस पे ले लेते। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ एक आधा नॉक निकालने का। अब यहाँ पर गाइस ट्राई तो मैं बहुत करता हूँ कि कोई पिक दे बट यहाँ पर दोनों में से कोई बंदा पिक नहीं देता। तो फिलहाल के लिए मैं स्नाइपर के ऊपर चले जाता हूँ और यहीं से होल्ड करता हूँ और यहीं से बंदे ने स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस बहुत टाइम तक इन दोनों में से कोई भी मुझे पिक नहीं देता और यहाँ पर मैं अपने आपको थोड़ा सा हील वगैरह कर रहा था कि तुम गाइस मुझे राइट साइड में यहाँ पर बंदों के शॉट्स का साउंड आता। लाइक यहाँ पर दो डुओ फाइट ले लेते जिसमें से यहाँ पर गाइस मुझे एक बंदा ओपन में लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर गाइस जो मेरा सेकंड शॉट है आर्म का वो मिस हो जाता है और ये बंदा फिलहाल के लिए हमसे मिस हो जाता है और यहाँ पर हम इसे डैमेज ही दे पाते हैं। बट इतने में गाइस मुझे यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट हो जाता है ओपन में और यहाँ पर गाइस एक प्यारा सा हेडशॉट और यहाँ पर हमें एक नॉक निकल जाता है। बट यहाँ पर गाइस ये बंदा फिलहाल के लिए बच जाएगा बिकॉज यहाँ पर उसके अच्छा खासा कवर था और उसका टीममेट उसे रिवाइव भी दे देता है। बट इतने में गाइस यहाँ पर किल फील्ड में एक बंदे को बैन पड़ चुका है जो फिलहाल के लिए हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लाइक हमें चिकन के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हैकर भी बैन पड़ गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब गाइस यहाँ पर न्यू जोन बन चुका था और वो हमसे दूर था और यहाँ पर हमें जोन में जाना था और यहाँ पर दिक्कत ऐसी थी गाइस कि हमारे सामने जो बंदे थे वो जोन के थोड़ा क्लोज में थे। लाइक उन्हें भी जोन में जाना था बट हमें पहले निकलना था। तो यहाँ पर मुझे आइडिया था कि जैसे ही हम निकलेंगे तो वो ऑब्वियसली हम पे स्प्रे लेंगे और हमें नॉक निकालने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी ही निकलता हूँ। लाइक मैं अपने आपको हील वगैरह करता हूँ और यहाँ पर एक आधा स्मोक कर देता ताकि उनका एंगल ब्लॉक हो सके और फिर यहाँ से जोन निकलता हूँ। अब यहाँ पर गाइस इन्होंने ट्राई तो बहुत किया लाइक मुझ पे स्प्रे लेके मुझे नॉक निकालने का बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर गाइस मैं राइट में थोड़ा सा फ्लैंक करता हूँ और ये वाली इसमें मुझे एक अच्छा पोजीशन मिल जाता है। तो बस देखो अभी इन बंदों का हम किस तरह से जोन काटने वाले हैं। जून जाते
और यहाँ पर गाइस हमारा एक प्यारा सा नेट, तो फिलहाल के लिए तो एकदम परफेक्ट नहीं था, बट हमारे तीन चार नेट में से एक नेट परफेक्ट निकला और इन दोनों का यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हमने एक और बंदा मारा था गाइस जो जोन के बाहर से आ रहा था, तो वो भी एक किल हमें मिल जाते हैं। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें थोड़ी सी लूट वगैरह चाहिए, लाइक स्मोक नेट वगैरह, तो यहाँ से हम थोड़ी सी लूट वगैरह भी कर लेते हैं। अब गाइस अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर न्यू जोन बन चुका था जो फिलहाल के लिए हमसे 100 मीटर दूर था, और यहाँ पर हमें जोन में एक अच्छा पोजीशन चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रिच के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर एक पोजीशन देखने का ट्राई करता हूँ कि तो मैं यहाँ पर मुझे ड्रॉप एक बंदा स्पॉट हो जाता है, बट यहाँ पर इस पर मैं शॉट नहीं लेता बिकॉज मैं चाहता कि जब मैं जोन में एंटर करूँ तो ये मुझ पर स्प्रे ले और मुझे कोई दिक्कत दे। तो यहाँ पर मैं अपनी व्हीकल निकालता हूँ और जोन में एक अच्छे पोजीशन के लिए पहले निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मैं इजीली जोन में जाता हूँ और ये वाली रिच पे गाइस लकीली कोई था नहीं, तो फिलहाल के लिए हमें एक अच्छा पोजीशन भी मिल गया। तो अब यहाँ पर गाइस मैं थोड़े से बंदे ने स्पॉट करता हूँ और वेट करता हूँ इस ड्रॉप वाले बंदे का कि अगर हमें हल्का भी पिक देता है तो इसे ऑम के थ्रू नॉक, या फिर अगर ये सिंगल बंद रहा तो इसे फिनिश करेंगे। और इतने में गाइस यहाँ पर ये बंदा ओपन में रोटेशन मारता है और यहाँ पर गाइस मैंने इसे मिस कर दिया बिकॉज हमारे गन में कोई भी स्कोप लाइक रेड डॉट या फिर 6x नहीं था, वरना गाइस इस बंदे को मैं इजीली मार देता। बट यहाँ पर गाइस इसे मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो मैं थोड़ा सा इस पर क्लोजिंग करता हूँ और इसे नेड के थ्रू मारने का ट्राई करता हूँ। बट यहाँ पर गाइस हमारा नेड मिस हो जाता है बिकॉज थर्ड पार्टी में इस बंदे को किसी और ने मार दिया, तो फिलहाल के लिए हमारा किल हमसे मिस हो गया। तो यहाँ पर गाइस अब लास्ट दो बंदे बचे हुए थे जिसमें से यहाँ पर एक सोलो को मेरा टीममेट मार देता है और अब यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा हुआ है। तो गाइस अभी आप देखो लाइक इस बंदे को हम किस तरह से मारेंगे और चिकन डिनर लेने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर। Victory belongs to us.